बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन में वीज़ा हासिल करने का कुरानी अमल। सूरह बकरा की ये आयत पढ़ें और फौरी वीज़ा हासिल करें। आजकल सब लोग अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाता है, क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लगता या किसी को माली परेशानी होती है। लोग इसीलिए बाहर नहीं जाना चाहते। अपने मुल्क से बाहर जाने की कई वजूहात हैं, जैसे घर के अखराजात पूरे करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो किसी की बीवी अपने शोहर के पास जाना चाहती है लेकिन उनका वीज़ा नहीं निकल रहा। तो इन सब अफराद के लिए ये कुरानी अमल बहुत ही फ़ायदा बख्श है। इसको करने से इंशाअल्लाह आपको जल्द वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वजीफ़ा पूरी नेक नीयति से करना है और अल्लाह पर यकीन रख के करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। वजीफ़ा और तरीका। जो भाई अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या बीवी अपने शोहर के पास जाना चाहती है, तो वो हर नमाज के बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 164 को 100 मरतबा पढ़े। ये अमल आपने 3 दिन करना है। और जब दुआ मांगने लगे तो पहले ताक आदाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़े। इंशाअल्लाह इस अमल से आपको बाहर जाना नसीब हो जाएगा और इस अमल को सदकाए जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीज़ों को भी लाजमी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।